श्रद्धा का कातिल आफताब का एक और घिनौना चेहरा सामने आया है। बात साल 2020 की है जब उसने श्रद्धा की बुरी तरह से पिटाई की थी। उस दौरान श्रद्धा को बचाने के लिए जो शख्स आगे आए थे वो थे गॉडविन, और गॉडविन ही अपने दोस्तों के साथ उसे पुलिस थाने में ले गए थे। इस समय उस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ खुद यहाँ पर वसई में गॉडविन है। गॉडविन, ये बताइए कि आप श्रद्धा को बचाने गए तो क्या आप पहले से श्रद्धा को जानते थे? कैसे संपर्क हुआ, आपको कैसे पता चला और फिर क्या हुआ पूरा वक्त? जी, मैं श्रद्धा को पहले से नहीं जानता था। हालांकि ये इंसिडेंट 2020 नवंबर की बात है जब दोपहर को हमको एक फ़ोन आया, क्योंकि श्रद्धा का जो लिव इन पार्टनर था आफ्ताब, उन्होंने उनको मार पीट करके उनको जान से मारने की कोशिश की थी। अभी जान से मारने की मतलब उनको चोक किया गया था। तो वो टाइम पे वो अपने आप को बचा के इमीडिएटली बिल्डिंग से बाहर भाग के उनको हेल्प चाहिए था, जिसके वजह से उन्होंने, उनके कोई दोस्त नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, ना फैमिली से उनका उतना संपर्क था, तो उन्होंने इमीडिएटली उनके ऑफिस में कॉल किया था। अच्छा, ऑफिस में कॉल करते ही उन्होंने ये बोला कि उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए, मगर उनको ऑफिस दूर होने के कारण कोई आ नहीं पाया। तो उनके ऑफिस से मेरे भाई को कॉल आया, क्योंकि वो सेम कंपनी में काम करते थे वो टाइम पे, तो उनको कॉल आया। तो मेरे भाई ने मेरे को वो रिक्वेस्ट किया कि आप घर पे हो तो प्लीज़ इनको इमीडिएट हेल्प चाहिए, ये लड़की को आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। तो उनका नंबर मुझे दिया गया था, मैं इमीडिएटली श्रद्धा को मैंने कॉल किया, मैंने उसको बुलाया कि मेरे बिल्डिंग के बाहर आ जाओ। जैसे ही मैं श्रद्धा को 2020 नवंबर में 23 तारीख को मैं दोपहर के टाइम पर उसको मिला, जैसे मैंने मिला उसका जो कद काठी छोटे होने की वजह से और उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत गोरा है, तो जाहिर सा नज़र आ रहा था कि उनको ब्रूसेस जो मार लगा था वो यहाँ लगा था, उनके लोअर बॉडी पे लगा था, और यहाँ पूरा रेड मार्क्स था कि मतलब किसी ने सच में गला दबाया। जो तस्वीर जो अभी वायरल हुई है, नहीं, इस ये तस्वीर उसके बाद की है, उसकी अच्छा, पहली हो सकती है। जो हमने देखा वो इससे 10 गुना डरावनी चीज थी। लेकिन ये बात तभी की है जब वो रीगल अपार्टमेंट में रहता था। बिल्कुल सही, ये बात है जब वो रीगल अपार्टमेंट में तीसरे माले पे रिहा करते थे। तो जैसे ही मैंने ये इंसिडेंट देखा, मैंने इमीडिएटली उनको अपने घर लेके गया। घर लेके गया तो वो डरी हुई थी, सहमी हुई सी थी, तो हमने उसको थोड़ा बातचीत कराया, पूछा क्या हुआ उनके रात, यह हादसा कैसे हुआ, कितने बार हुआ। तो हमको ये पता चला कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके साथ भी काफ़ी बार हो चुका था। मगर एक सवाल बीच में आ रहा है कि अपने ऑफिस में फ़ोन करने के बजाय क्या उसने अपने पिता को फ़ोन नहीं किया था तब, या भाई को? जी, ये बात अभी पहले मुझे नहीं पता था, ना मैंने उसका लॉजिक लगाया, मगर मैं उसके बाद जब से श्रद्धा को जानने लगा था, उनको अपने फैमिली से भी डिस्कनेक्ट किया गया था, और उसका मेन कारण है आफ्ताब। उसने हर कोशिश की कि श्रद्धा अकेली हो, उसके कोई फ्रेंड ना हो, ना कोई लड़के से बात करे, ना बाजू वाले के साथ जाए। वो श्रद्धा जब आफ्ताब से मिलने से पहले, वो जो इंसान खुद पूरा इंडिया ट्रैवल करता था, आज वो घर से निकलने के लिए 10 बार सोचती थी या किसी से बात करने से पहले। तो उसके वजह से हो सकता है कि वो टाइम पे मेरे को एक ही मौका मिला है किसी को कॉल करने, मैं नंबर ढूंढने की कोशिश करूँ या लास्ट जो मेरे पास है मैं उसको फ़ोन करूँ। तो हो सकता है वो टाइम पे उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा वो हिसाब से उन्होंने उसके ऑफिस में फ़ोन किया। ऑफिस में फ़ोन करते ही जब हमारे पास फ़ोन आया, हमने इमीडिएटली रिएक्ट किया, उनको घर बुलाया। जैसे हमने उसके चोट के निशान देखे, हमको ऐसा लगा कि ये लीगल मैटर होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत ज़्यादा हुआ था और पूरा काला हो चुका था, तो उससे क्लियरली समझ में आ रहा था कि गलती से एक बार एक जगह लग सकता, तीन चार जगह नहीं लग सकता। तो हमने सोचा कि इसको लीगल मैटर में लेना चाहिए। तभी मैंने एक मेरे दोस्त, करीबी दोस्त को मैंने फ़ोन लगाया था, राहुल राय उनका नाम है, उनके साथ हम इसको इमीडिएटली तुलिंज पुलिस स्टेशन लेके गए थे दोपहर के समय। तो आप लोग पहले अस्पताल नहीं लेके गए, सीधे पुलिस थाने ले गए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा था कि हमको भी इमीडिएटली रिएक्ट करना था, क्योंकि ये लीगल कॉम्प्लिकेशन है। अगर आज मैं वो टाइम वेस्ट करता, हो सकता है आफ्ताब वहाँ से भाग गया होता या कुछ हो गया होता। एज अ सिटीजन मेरा काम है कि पहले इनको सुरक्षित करना। मेडिकल ट्रीटमेंट तो मिल ही जाता, क्योंकि आज वो मेरे से बात भी करी, थोड़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, मगर वो उनका वैसा सिचुएशन नहीं था कि उनको हॉस्पिटल इमीडिएटली जाना पड़ता। तो हमने सोचा जो पहला चीज़ है हम वो करें, लीगल मैटर जो है पहले उसमें हम उसका साथ दें। तो हम इमीडिएटली राहुल, मैं और श्रद्धा, हम तुलिंज पुलिस स्टेशन गए थे। हमने बाकायदा MC दर्ज करवाई है 23 तारीख को, 23 नवंबर की दोपहर को हमने MCA दर्ज करवाई। हालांकि हम दोनों, मैं और राहुल, उनको करीबी से नहीं जानते थे और ये हमारी पहली मुलाकात थी, इसलिए पुलिस ने भी हमको बोला कि आप इनके रिश्तेदार नहीं है ना इनके दोस्त है, तो आप थोड़ा बाहर रुकिए, हम इनसे पूछ लेते ताकि हम उनके स्टेटमेंट में कोई इम्पैक्ट या मतलब कोई डाइवर्जन ना दे। तो
तो जैसे ही उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, उनको एक कॉपी मिली थी, उसके बाद हम उसको घर लेके आए, क्योंकि उनको घर रिटर्न नहीं जाना था, क्योंकि अच्छा, सरदा नहीं जाना चाहती थी वापस आफ्ताब के पास। बिल्कुल सही, क्योंकि उसने वो हमको बयान किया था कि इसके पहले बहुत बार हो चुका है, मगर वो इस लेवल पे नहीं हुआ था कि वो मेरी जान ले लेगा, और वो अटेम्प्ट जो था वो अटेम्प्ट टू मर्डर ही बोल सकता हूँ मैं, और कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि जब इंसान वो हालत में किसी और से, जिसको मैं दुनिया में जानता भी नहीं या वो मुझे जानती भी नहीं, आज वो मुझसे हेल्प मांग रही है, तो जाहिर सी बात है उसको मेरे से कुछ एडवांटेज नहीं है, ना उसको कुछ मिलेगा, तो वो चीज़ का उसको डर था कि घर जाने से कुछ उसको दुविधा हो सकती है, उसके हेल्थ पे हो सकता है, उसके लाइफ पे हो सकता है, तो इसलिए हमने उसको घर रिटर्न बुलाया, हमने उससे बातचीत की, फिर हमको पता चला कि उनको पेन किलर चाहिए था, जो उनको प्रिस्क्राइब ड्रग था, तो इमिडिएटली मैंने उनको बोल के एक नियर बाय हॉस्पिटल लेके गया था, जो वसई में उसके घर के बाजू में ही है, और प्रिस्क्राइब ड्रग उसको दिया जाता है जो पहले से ट्रीटमेंट लेता है। एक नॉर्मल इंसान को अपना ड्रग पहले से नहीं पता होता जब तक आपको डॉक्टर नहीं बताएगा, मतलब पहले से ही वो प्रिस्क्राइब था वो। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि उनको पहले बार भी बहुत बार मार गिर चुकी है, वो टैबलेट ले चुकी है पेन किलर, जिसको उसको पता है कि उसका बॉडी वो ही टैबलेट डाइजेस्ट करेगा, और तभी भी जब डॉक्टर से उनकी बात हो रही थी, क्योंकि वो फीमेल है तो मुझे बाहर खड़ा होना था, क्योंकि उनका बॉडी इंस्पेक्शन चल रहा था, तो तभी भी उनको टैबलेट मिला, हम घर आए, उन्होंने टैबलेट खाया, हालांकि पूरी तरह से उनका हालत ठीक नहीं हुआ था, मगर थोड़ा बहुत पेन कम हुआ था। फिर जब हम आफ्ताब के बारे में और डिटेल में बात करने लगे, तो हमको श्रद्धा ने ये बताया, और ये बाकायदा ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, कि वो ड्रग सप्लाई करता था, वो ब्राउनी बेचता था। अभी ब्राउनी, हाँ ब्राउनी का मतलब क्या होता है ये हमको नहीं पता, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी हमने ना सुना, तो बोलने लग गए कि वो ये ब्राउनी ने लेकिन बताया आपको। बिल्कुल, वो ब्राउनी बेचता है, और आधी रात को भी उसके घर पे सप्लायर आते थे लेने के लिए, और कभी कभार ऐसा भी होता था जब आफ्ताब खुद घर नहीं होता था तो क्लाइंट घर आते थे, तो ये देती थी श्रद्धा, तो ये उनका फ्रीक्वेंट था, और इसके वजह से ये हुआ था कि श्रद्धा के फ़ोन में एक एविडेंस था, उसने हमको ये बताया था, और ये अभी फ़ोन अगर गवर्नमेंट के पास हो तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उनका फ़ोन रिकवरी मोड में डाले, कि उनके फ़ोन में एक ऐसा वीडियो है जिसके आफ्ताब का पूरा खुला चिट्ठा उनके पास है, और उन्होंने ये भी बोला था ज़िंदगी में अगर मैं एक ऐसे दुविधा में पड़ जाऊँ जहाँ से मैं निकल नहीं सकती, वो एक वीडियो है जो मुझे बचा देगा, ये उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। और हालांकि ये हमेशा उसके मम्मी डैडी इसमें भागीदार रह चुके हैं, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हर दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चे को कितना भी गलत हो वो हमेशा दुनिया के सामने अच्छा ही दिखाते हैं, मगर आज बात ये नहीं हो रहा कि आपके बेटे ने किसी को एक लाफा मारा है या छोटा झगड़ा हुआ है, 10-12 बार होने के बाद भी अगर आप अपने बच्चे को बचा रहे हो और इसको दाव पे लगा के आप ये बोल रहे हो कि मेरा बेटा आपसे शादी करेगा और सुधर जाएगा, अगर तुम नहीं रहे वो सुसाइड कर लेगा, तो ये इमोशनल बैगेज आप उसमें डाल के, ये बात श्रद्धा ने बताई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अच्छा दूसरी ये चीज़ बताइए कि आप लोग अस्पताल भी गए थे और पुलिस स्टेशन भी गए थे तुलिंज में, वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस का क्या रवैया है, पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया, कुछ कार्रवाई की, आफ्ताब को बुलाया, समझाया क्या? नहीं देखो, जब मैं श्रद्धा के साथ था, मैं और राहुल जी जब श्रद्धा के साथ थे, तो उनकी एनसी की जो दरखास्त थी वो लिया गया था, वो हमको एक कॉपी भी दिया गया था, पर इमिडिएटली उनका जो बिहेवियर था, क्योंकि फीमेल को पुलिस स्टेशन में उतना टाइम होना नहीं चाहिए और वो पहले से डरी सहमी थी, तो हमने वो लीगल जो मैटर था वो करके हम उनको घर लेके आए थे, तो उसके बाद हो सकता है कि देखो, क्योंकि ये दो पार्टी के बीच में एक ही पार्टी ने अपना स्टेटमेंट दिया था, तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी, अभी हो सकता है उन्होंने आपको पूछताछ के लिए बुलाया हो या बातचीत की होगी, वो हमको नहीं पता, क्योंकि हम उनके साथ आप लोग अपने घर लेके आए। इसके बाद मैं जैसे घर पे आया, फिर हमने बातचीत की, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे जब उनको पेन किलर चाहिए था, फिर वही टाइम पे घर आने के बाद थोड़ी वो नॉर्मल होने चालू हुई थी, तब आफ्ताब का बैक टू बैक फ़ोन आने लग गया था, और वो मुझे बता रही थी कि आफ्ताब अभी बैक टू बैक फ़ोन कर रहा है तो बाहर निकलेगा उसको ढूंढने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम उसका बार बार फ़ोन आंसर नहीं करने की वजह से आफ्ताब उसको व्हाट्सएप पे कॉल करने लगा और वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने लगा था, और वो रिकॉर्डिंग में बाकायदा ये कहा गया था कि अगर तुम घर नहीं आओगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और उसके बाद हमने एक बार उसका फ़ोन आंसर भी किया था, जिसमें मैंने उसको बोला था ये सुरक्षित है, ये घर पर आ जाएगी, ठीक है, ये अभी इसको थोड़ा टाइम दे दो, तो उसने मुझसे गाली गलौज करके ये बोला था कि तुम कौन हो, तुम ये चीज़ से बाहर रहो, उसको घर भेजो, मेरे को उससे ही बात करना है। और वो जब बात हुआ तो आफ्ताब के मम्मी डैडी ने इसको कॉल किया था, जो हमेशा की तरह होता है, आफ्ताब ने अपने मम्मी डैडी को बहला फुसला के बोला होगा कि आप श्रद्धा से बात कर लीजिए,
जैसे श्रद्धा से, श्रद्धा को उनके मम्मी डैडी का कॉल आया, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इनके घर जा रही हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि आप जा तो रहे हो, आप आपका व्हाट्सएप का लाइव लोकेशन मेरे से शेयर करना, क्योंकि आपके साथ आफ्ताब भी जा रहा है और जो चीज़ का हमने अभी दर्ज किया हुआ है और आप वही इंसान के साथ जा रहे हो, तो आगे कुछ दिक्कत होगा तो हमको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने उनको बोला था अगर आपका व्हाट्सएप 5 या 10 मिनट से ज़्यादा अगर बंद आया तो मैं आपको कॉल करूँगा। हालांकि जैसे ही वो घर पहुँची या जो भी लोकेशन पे पहुँची, उनका फ़ोन बंद किया गया था। तो मैं तो डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो सकता है। मगर हालांकि दूसरे सुबह श्रद्धा ने मुझे खुद फ़ोन किया था कि मैं सलामत हूँ, मेरा फ़ोन बंद किया गया था और अभी सब कुछ ठीक है, उसके मम्मी डैडी से बात हुआ। और हालांकि जब दूसरे दिन भी हम मिले उसको, क्योंकि वो एरिया में ही रहती है तो हम उसको मिले थे, तो हमने पूछा उसके मम्मी डैडी ने क्या बात किया, तो वो बोली मम्मी डैडी ने बोला उसको और एक मौका दे दो, ये सुधर जाएगा, शादी करने की तुमसे ही मांग रहा है, हाँ अभी उसका लाइफस्टाइल भी बेटर हो रहा है तो और एक मौका दे के देख लीजिए। तो वो कंसिडरेशन में थी कि मतलब एक और मौका देना चाहिए। हालांकि वही दिन दोपहर को, क्योंकि ये एक वुमेन, एक औरत का मामला है और हमको लगा कि ये चीज़ में एक वुमेन हेल्प सेंटर को एक कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मानसिक जो संतुलन है उनका वो एक औरत ही समझ सकती है या उनको ही बैन किया जा सकता है। तो राहुल जी के जो क्लोज फ्रेंड है और उनके जो पॉलिटिकल लीडर है पूनम बिदलानी जी, राहुल जी ने उनको कांटेक्ट किया कि आप हेल्प कर सकते हो क्या, और राहुल जी के मदद से हमने पूनम बिदलानी जी से मिले और हमने उनको एनसी कॉपी दिखाई, हमने ये लड़की को उनके सामने बिठाया, उन दोनों की अकेले बात हो गई कि आपको ये लीगल मैटर करना है तो हम लीगली उनको जेल भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये लीगल कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपको लगता है एनसी से आप खुश नहीं हो और यह आपके साथ काफ़ी बार दोहराया गया है, तो ये चीज़ को हम लीगल मैटर में हम ले सकते हैं। तो उन्होंने तभी हमको बोला था हाँ ये लीगल मैटर ही करना है और इनको जेल ही देना है। श्रद्धा ने कहा, श्रद्धा ने बिल्कुल हमको कहा था। और वो चीज़ होने के बाद हमने बोला कि ठीक है, वो श्रद्धा ने हमको बोला कि हम शाम को इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। वही दिन शाम को, दूसरे दिन, तो दोपहर को अपने घर चले गए। शाम को जब हम फिर मिले तो उन्होंने अपने आप को बैकआउट कर दिया बोल के कि मुझे उस पर लीगल एक्शन नहीं करना है। अभी हो सकता है कि ये दोपहर और शाम के बीच में जो दौरान था, हो सकता है इसके मम्मी डैडी ने उसको इन्फ्लुएंस किया होगा, हो सकता है इसने उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, या इनका कुछ प्राइवेट मैसेजेस या वीडियोज या कुछ भी हो सकता है जो हमको पता नहीं, वो चीज़ की वजह से उसने वो कंप्लेन रिटर्न ले लिया। तो उसके बाद फिर आप लोगों की कभी श्रद्धा से मुलाकात बात हुई? बिल्कुल, हालांकि मुलाकात मेरी ऐसी होती थी क्योंकि ये एरिया इतना छोटा है कि आफ्ताब और वो जब भी आते थे तो हमारे बिल्डिंग के आजू बाजू में स्नैक्स कॉर्नर है, तो जब भी आती थी तो उनका टकराव मेरे से होता था तो हमारी बात होती थी। हालांकि मैं आफ्ताब से कभी बात नहीं करता, पर ना उनका मेरे से कभी बात हुआ है, ना मैं उनको जानना चाहता था, क्योंकि वो इंसान इतना चीज़ कर चुका था कि हमारे जहन में ही था कि ऐसे इंसान से हम कांटेक्ट नहीं रखते। वो होने के बाद जैसे ही फिर 1 या 2 महीना होने के बाद मेरा फिर श्रद्धा से बात हुआ था, क्योंकि उन्होंने कॉल किया था, तब उनको एक नया नौकरी मिला था, तो क्योंकि उनके बुरे टाइम में हम खड़े थे तो उनके अच्छे टाइम में उनको लगा कि हमारे साथ वो शेयर करना चाहिए, तो हमको बता रही थी कि उनको कैसा जॉब प्रमोशन मिला, जॉब कैसा है, सैलरी कितनी अच्छी है, उनको प्रमोशन भी मिला था, वो बहुत खुश होकर हमको बता रही थी अभी थोड़ा अपने आप के लिए समय मिलता है, घर के लिए समय मिलता है, वो सब। और वही बातों के बीच में उन्होंने ये भी बताया था कि आफ्ताब उनको बता रहे हैं कि हमको दुबई शिफ्ट होना है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनको एक टाइम, वो टाइम पे मैंने उसको टोकते हुए ये कहा था कि जब तुम्हारा ये हादसा हुआ था नवंबर 2020 में, तो आप यहाँ किसी को जानते नहीं थे, आपकी मजबूरी थी किसी और से मदद लेना। हालांकि हम एक ही सिटी में रहते हैं, वैसे में रहते हैं, आप दूसरा सिटी जाओ या दूसरा स्टेट जाओ, दूसरा कंट्री जाओ, आपको कौन हेल्प करेगा? आप भागोगे तो किधर भागोगे, किसको हेल्प मांगोगे, तब आपके पास क्या चारा होगा? और वो चीज़ को उन्होंने सुन के भी ना सुना कर दिया। और आज वही चीज़ को आप देख लो, हम दूसरे कंट्री की बात करें, आज यही चीज़ दोहराया गया है 2 साल बाद, जहाँ उसने बहुत आसानी से उसको सबसे डिस्कनेक्ट तो कर ही लिया था, वैसे में जो गिने चुने लोग थे उनसे भी डिस्कनेक्ट करके दिल्ली मूव हो गया, जो हमको पता भी नहीं, तो न्यूज़ से पता चला वो दिल्ली चले गए। यहाँ से चले गए तब आपका संपर्क बंद हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो नवंबर के हादसा के बाद हमारा सिर्फ 2 या 3 महीने का कुछ बातचीत हुआ रहेगा, एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता रहता, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े में बात होता, कभी मिल गए रस्ते के बीच में, हाय हेलो हो गया, या कभी गलती से कॉल कर लिए, वो चीज़। कहीं आपको लगता है कि उस दिन जब ये हादसा हुआ था नवंबर 2020 की आप बात कर रहे हैं, तब अगर जो श्रद्धा है वो एक अपना मन कड़ा कर लेती और टिक जाती, या अपने घर चली जाती, या फिर वापस इनके पास नहीं जाती, या फिर पुलिस ने उसने कुछ आफ्ताब से संपर्क किया होता, कुछ एक्शन लिया होता, तो शायद आज श्रद्धा बच गई होती। देखो
वो चीज़ का बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि वो टाइम पे अगर मैं खुद श्रद्धा के जगह पे होके सोचता तो आज 130 करोड़ जनता में अगर मुझे बात करने के लिए आज मेरे पास ना मेरा दोस्त है, ना मेरा करीबी रिश्तेदार है, ना मेरा फैमिली है, ना मेरे माँ बाप है, ना मेरा भाई है, समझने वाला कोई नहीं। अगर मेरा खुद का पार्टनर चाहे वो मारे पीटे गाली दे, पर वो कभी नहीं तो कभी एटलीस्ट दिन में 5 मिनट तो अच्छे से बात करता होगा, तो वो 5 मिनट के लिए मैं बार 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 उसको मौका दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इंसान दुनिया में इतने भीड़ भाड़ में अकेला महसूस करूँ तो मैं खुद पागल होकर मर जाऊँ। तो ये चीज़ का मौका देते देते उसने अपने आप का जीवन ऐसा कर लिया था कि वो मौका देते देते आज वो चीज़ का कुछ अलग ही मतलब निकल गया। और वो अगर दिन अगर वो लीगल एक्शन लेते तो आज ये हादसा होता ही नहीं। मतलब ये कि अपने माता पिता से जो डिस्कनेक्ट हो गई, माँ तो गुजर चुकी थी, पिता और भाई से वो भी कहीं ना कहीं अकेलापन जो रहा उसका फ़ायदा उठाया है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए मगर जहाँ कि इसका तात्पर्य यही निकलता है कि अगर मेरे खुद के माँ बाप नहीं है और मेरे बॉयफ्रेंड के मेरी गर्लफ्रेंड के माँ बाप है तो मैं अपने माँ बाप को उनके माँ बाप में देखूँगा। तो ये बार बार उनके माँ बाप जो रहते थे ये चीज़ का एडवांटेज था उनके पास कि इसके माँ बाप नहीं है तो वो हम में अपने माँ बाप ढूंढ रही है। तो यही चीज़ जब वो कन्विंस करते थे कि आप एक बार सुन लो, एक बार आओ, आप अच्छी लड़की हो, आप ही सुधार सकती हो, आपके साथ कितना अच्छे से रहता है, जब गुस्सा नहीं होता है तो आप कितना अच्छे से रहते हो, बात करते हो, खाना खाने आते हो, ये चीज़ का बार 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 एडवांटेज लिया जा चुका है। और ये चीज़ इसकी एक वीकनेस रह चुकी है जो इंसान के पास खुद का परिवार नहीं है और उसको एक वो हिंदी में कहावत है डूबते हुए को एक तिनका ही काफी है। ये दोनों एक तिनका ही थे जो उनको लग रहा था अपने माँ बाप है, वो माँ बाप की तरह ही उनसे सलाह ले रही थी मगर उनको क्या पता ये सलाह उनकी ज़िंदगी ले लेगी। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वैसे ही से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।